हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरियारी पुलिस ने 1 किलो 200 अफीम के दूध के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थों के खिलाफ सोजत सर्कल की लगातार 16वीं कार्रवाई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशन एवं सोजत डीवा एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में सरियारी पुलिस द्वारा अफीम तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरियारी थाना अधिकारी हमीर सिंह में जाप्ता द्वारा देवगढ़ सोजत रोड सड़क मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 किलोग्राम 200 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। पुलिस द्वारा सोजत सर्कल में अफीम और मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की लगातार 16वीं कार्रवाई है। तो लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई से मादक पदार्थों के तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तस्करी कार्य में काम में टीयूवी गाड़ी जब्त की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही, जिसमें और भी तस्करी के खुलासे होने के आसार लग रहे हैं। सोजत डीवा एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने बताया कि सोजत सर्कल में पिछले 1.5 वर्ष से ये मादक पदार्थों के खिलाफ 40वीं कार्रवाई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत डीवा एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ इन्होंने ये कहा। एसपी साहब श्रीमान कालूराम जी रावत सर के आदेशानुसार, एडिशनल एसपी श्री विपिन शर्मा जी के निर्देशानुसार एसएचओ सिरियारी ने कल मुखबिर की इतला पर करमल घाटी और सोजत रोड के बीच में एक नाकेबंदी करवाकर एक वाहन को डिटेन किया था, जिसमें ये सूचना थी कि उसमें कोई अवैध मादक पदार्थों का परिवहन हो रहा है। एनडीपीएस एक्ट के मैंडेटरी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वाहन और उन व्यक्तियों की तलाशी ली गई जिनके पास से 1 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम मादक पदार्थ मिला। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और इस प्रकरण की जाँच एसएचओ मारवाड़ जंक्शन श्री मोहन सिंह जी को सौंपी गई है। यह मादक पदार्थ कहाँ से खरीदा गया था और कहाँ पर इसको सेल करना था, इसके संबंध में कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, जिसके संबंध में भी जांच चल रही है। सोजत सर्किल की इस वर्ष की यह 16वीं मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई है और सोजत सर्किल में पिछले 1.5 वर्ष के अंदर अब तक 40 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।